ऑल राइट गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप सांसों की ज़रूरत है जैसे इस गाने की इंट्रो ट्यून के टाइप्स प्ले कर सकते हो गिटार पे। स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे हम इसको। एक बार मैं फिर से आपको पूरी ट्यून प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, काफ़ी इजी है। जितना थोड़ा बहुत हैमर पुल ऑफ्स यूज़ हुए हैं तो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी तो काफ़ी इजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे इसको। पहला पार्ट इस तरीके से प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, 5 3 5। उसके बाद 3 पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करना है 1 पे, फिर से 3, 2 स्ट्रोक देना है 5 पे, स्लाइड डाउन करना है 6 पे, ऐसे। ठीक है, अभी आ तो क्लियर है। उसके बाद फिर से 6 5, इसके बाद 3 पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ 5 पे, 2 स्ट्रोक 3 पे, ऐसे। ठीक है, हो गया, तक भी क्लियर है। उसके बाद एक शॉक देना है 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे, फिर से 3 पे शॉक देके हैमर पुल ऑफ 5 पे, फिर से 4th स्ट्रिंग 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट। इस तरीके से प्ले कर ले हम लोग। ठीक है, होपली आता क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ एक बार स्लोली। ठीक है, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर से 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, फिर 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, पुल ऑफ करना है 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे, ऐसे। फिर से 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, हैमर 6 पे। कहाँ तक पहुँचे हम लोग, सॉरी स्लाइड भी कर सकते हो, हैमर भी कर सकते हो, इसके बाद फिर से 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, फिर से 5th फ्रेट, 2 स्ट्रोक, फिर 2 स्ट्रोक देना है 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे। ठीक है, एक बार सेकंड पार्ट पूरा स्लोली प्ले करते साथ में, सॉरी। ठीक है, अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है वो लगभग फर्स्ट पार्ट से सिमिलर ही है, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ स्लोली। बस 2-3 हैमर पुल ऑफ ऐड हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है वो फिर से स्टार्ट होगा 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे, 5 3 5, फिर से 3, 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 3 3rd स्ट्रिंग का 5 3rd स्ट्रिंग का 2 स्ट्रोक देके स्लाइड करना है 6 पे, फिर से 6 पे स्ट्रोक देके स्लाइड करना है 8 पे, 6 5 पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करना है 3 पे, फिर से 5, 2 स्ट्रोक 3 पे हैमर पुल ऑफ 5 पे, फिर से 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग का, फिर से 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ 5 पे, फिर से 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट। यहाँ पे ख़त्म करना है थर्ड पार्ट। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग, सॉरी।
ठीक है, अब फोर्थ पार्ट जो है वो भी सेकंड पार्ट से काफ़ी सिमिलर है, एक बार स्लोली प्ले करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट फिर से स्टार्ट होगा, थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, सिक्स फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थ्री सिक्स फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, सिक्स फ्रेट थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, हैमर सिक्स पे, फाइव फिर से, थ्री दो स्ट्रोक फाइव है, दो स्ट्रोक सिक्स थ्रेड फोर स्ट्रिंग, फिर और दो स्ट्रोक देना है। क्या प्ले कर रहे हैं फोर्थ थ्रेड के लिए, हम फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग। ठीक है, आई होप या तो पूरा क्लियर है। अब एक काम करते हैं, पूरा जो इंट्रो ट्यून है वो पूरी एक साथ साथ में स्लोली प्ले करते हैं। ठीक है, आई होप या तो पूरा क्लियर है आपको। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस गाने के इंट्रो ट्यून के टाइप सीखने में। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन रिक्वेस्ट हो तो मेरे सर इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे दी हुई है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।